हे फ्रेंड्स, मैं प्रसन्ना गिरे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसका नाम है पुणे वाला आपकी। सो मैंने रिसेंटली कैपजेमिनी ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं कॉग्निजेंट में काम करता था, जहाँ पे मुझे 3 साल हो गए थे। तो मेरी कैपजेमिनी में सिलेक्ट होने की जो जर्नी है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो मैंने इंटरव्यू दिया था जुलाई मंथ में कैपजेमिनी का, और मेरा सेकेंड राउंड लगभग 18th को हुआ था। और 18th को ही मुझे शाम को HR का कॉल आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड। सो मैं तो बहुत खुश हो गया, मेरी फैमिली भी खुश हो गई। तो उसके बाद उन्होंने प्रोसेस किया, फिर मुझे ऑफर लेटर दिया। और मैं कॉग्निजन में जो था, तो हमारा प्रोजेक्ट ना एंड हुआ था। तो उसके बाद हम लोग थोड़े कुछ दिन के लिए बेंच पे थे, मैं और मेरे टीम में सरसो। सो मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि अगर मैं बेंच पे हूँ तो, और मैं दूसरा जॉब सर्च करूँ तो मुझे वो इमीडिएट रिलीज दे देंगे, तो मेरे पास प्लस पॉइंट था। तो इसलिए मैंने इमीडिएट ज्वाइन करके naukri.com और मॉन्स्टर पे अपडेट किया। तो उसकी वजह से मुझे कॉल्स बहुत आने लगे, और उसमें ही कैपजेमिनी का कॉल भी था। तो मेरा सेकेंड राउंड हो गया। सो इमीडिएट ज्वाइन की वजह से उन्होंने मुझे अराउंड 18 तारीख को हो गया, और मुझे ऑफर लेटर भी आ गया। ऑफर लेटर मुझे लगभग 31st of July को आ गया, और 31st July को ही मेरी ज्वाइनिंग डेट थी कैपजेमिनी में। तो ओवरऑल ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कैसे मैं कैपजेमिनी में सिलेक्ट हुआ। जो बहुत लोग कह रहे हैं कि मार्केट खराब है, मार्केट खराब है, लेकिन मुझे नहीं लगता मार्केट खराब है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आते थे। लगभग मुझे 50 से ऊपर कॉल आए इंटरव्यू के लिए, और अच्छे अच्छी कंपनी के कॉल आए, जैसे इन्फोसिस, TCS, एम्फासिस, कैपजेमिनी, IBM, पेटीएम, एसेंचर, मास्टर कार्ड। सो ये बहुत सारी कंपनीज के मुझे कॉल आए। तो मार्केट ख़राब नहीं है, बस एक्सपीरियंस वालों के लिए थोड़ा टफ हो गया है, कि थोड़े आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एंड फ्रेशर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरा भाई है, कज़िन है मेरा, जो एज ए फ्रेशर TCS में कॉलेज थ्रू ज्वाइन हुआ है, लेकिन उनको ना ज्वाइनिंग डेट नहीं मिल रही है। तो उसकी क्या जर्नी है, उसको क्या क्या फेस कर रहा है, इसके रिलेटेड भी हम एक नया अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी टॉपिक पे हमारे चैनल पे कंटेंट्स आते रहेंगे। ऑफर लेटर तो मुझे कैपजेमिनी से आ गया। उसके बाद मैंने पर्सनल लैपटॉप पे ही लॉगिन किया था। तो पर्सनल लैपटॉप पे लॉगिन करके मुझे थोड़ा एक्सेस मिला, जैसे कि टीम्स एंड आउटलुक का एक्सेस मिला। उसके बाद कुछ दिन हमने वेट किया, क्योंकि एक टीम रहती है अलग से जो हम वहाँ पे रहते हैं, वो एक एज अ टाइप बेंच बोल सकते हैं हम कैपजेमिनी में। तो उसके बाद वो टीम हमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अलोकेट करते हैं। तो मुझे रिसेंटली 2 दिन पहले ही, आज की 26 तारीख है, तो रिसेंटली 2 दिन पहले ही मुझे प्रोजेक्ट मिला है। रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ बात हुई है, थर्सडे को उन्होंने मेरे लिए लैपटॉप रिक्वेस्ट रेज किया है। उनका कहना था कि आप 25th को, जैसे फ्राइडे कल, मुझे ऑफिस जाके तलवाड़े ऑफिस से लैपटॉप कलेक्ट करना है। तो मैं बहुत कंफ्यूज था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि लोकेशन अगर कौन सा है कैपजेमिनी का, हिंजेवाड़ी है या फिर तलवाड़े है। तो मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन थैंक गॉड कि मुझे रिपोर्टिंग मैनेजर ने कंफर्मेशन दे दिया कि मुझे हिंजेवाड़ी के फेज 3 ऑफिस में बैठना है। लेकिन मुझे लैपटॉप और आई डी कार्ड कलेक्ट करना है, वो तलवाड़े से करना है। तो ये कन्फ्यूजन भी बहुत लोगों को होता है। तो सो प्लीज़, आप अगर कैपजेमिनी में सिलेक्ट होते हैं तो आपने रिपोर्टिंग मैनेजर से ये चीज़ कंफर्म कर लो। कॉग्निजन में भी मैं पूरा वर्क फ्रॉम होम था, तो अभी मुझे ये हाइब्रिड मोड है कैपजेमिनी में, तो मुझे पुणे शिफ्ट होना है। तो पुणे में कल शिफ्ट होने वाला हो, तो उसके लिए भी मैं एक जो हम मैं अकोला महाराष्ट्र अकोला में रहता हूँ, तो यहाँ से पुणे का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी हम एक ब्लॉग बनाने वाले हैं। वो ब्लॉग भी मैं आपके साथ एज सुन एज पॉसिबल शेयर करूँगा। अभी पुणे में तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली है, तो मुझे उसके लिए पहले अकेले जाके वहाँ पे पुणे में हिंजेवाड़ी में फ्लैट सर्च करना है। तो फ्लैट सर्च करते कि जो मेरी एक्सपीरियंस रहेगा, मुझे कहाँ कहाँ फ्लैट सर्च करने हैं, हमें हिंजेवाड़ी फेज में रहना है तो कहाँ पे किस लोकेशन पे फ्लैट करना है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके लिए उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि फ्लैट कैसे सर्च करना है, कहाँ सर्च करना है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, और अच्छी किसी भी IT इंजीनियर के लिए अच्छी लोकेशन क्या रहेगी। इस सब चीज़ के लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊँगा। इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा, और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।